दोस्तों, क्या आप भी ब्रह्मांड और अंतरिक्ष यान के दीवाने हैं? अगर हाँ, तो शायद आप ये जानते ही होंगे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS को आप अपने घर या अपने छत से देख सकते हो, और वो भी बिना किसी खास टेलीस्कोप की मदद के। तो चलिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आप बिना किसी टेलीस्कोप के अपनी नंगी आँखों से कैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को देख सकते हो। तो आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि ISS है क्या। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में मौजूद एक ऐसी साइंस लेबोरेटरी है जो धरती के करीब 400 किलोमीटर ऊपर धरती का चक्कर काट रहा है। ये अंतरिक्षयान एक सामूहिक प्रोजेक्ट है। इसमें 6 स्पेस एजेंसियां शामिल हैं, जिसमें कि रूस, अमेरिका, जापान, यूरोप और कनाडा शामिल हैं। इस स्पेस स्टेशन को पहली बार 1998 में लॉन्च किया गया था। उस समय इसके साथ केवल सिर्फ एक मॉड्यूल था, और फिर उसके बाद 2000 में पहला मानव मिशन इस पर भेजा गया। आज इसमें टोटल 16 मॉड्यूल शामिल हैं, जबकि 6 लोग स्टेशन पर स्थायी तौर पर रह रहे हैं, यानी इस समय भी इसमें 6 एस्ट्रोनॉट काम कर रहे हैं। दोस्तों, ISS करीब 27,724 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती के चक्कर लगा रहा है, और ये पूरी धरती के रोज 16 चक्कर लगाता है। ये धरती का एक चक्कर 90 मिनट में पूरा कर लेता है, इसीलिए स्टेशन को देखना बेहद रोमांचकारी होता है। दोस्तों, ISS को सूरज प्रकाशित करता है, और अपने सफर के दौरान यह सूरज की रोशनी चांद की ही तरह प्रतिबिंबित करता है। धरती से ISS को देखना हो तो आपको सूरज और स्टेशन को देखते हुए सही जगह होना जरूरी होगा। मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी दे रहा हूँ जिसकी मदद से आप अपने घर से भी ISS को आराम से देख सकते हो। दोस्तों, आप ISS को लाइव आसमान में देखने के लिए नासा की एक वेबसाइट नासा स्पॉट द स्टेशन के जरिए भी देख सकते हो। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि गूगल पे जाके नासा स्पॉट द स्टेशन सर्च कर लेना है। इसमें सबसे ऊपर जो रिजल्ट आपके सामने खुल के आएगा, उसमें आपने क्लिक कर लेना है। इसके बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने लेफ्ट साइड में इस 3 डॉट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने अपनी कंट्री का नाम सेलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद अपनी सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं अभी शिमला में हूँ, तो मैं यहाँ पे शिमला सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके बाद आपको गो पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपको बता देगा कि कब और किस टाइम आपके 100 किलोमीटर के दायरे में स्पेस स्टेशन गुजरेगा और कितने मिनट विजिबल होगा, और यहाँ पे आपको ये भी दिखा देगा कि किस साइड से निकलेगा और किस साइड को जाएगा। तब इसके बताए गए टाइम पे आप अपने घर से इसे देख सकते हो। दोस्तों, ISS हमेशा वेस्ट से ईस्ट की ओर जाता है, यानी पश्चिम से पूरब की ओर जाता है। यह बेहद चमकीले और तेज़ रफ्तार वाले स्टार के जैसा दिखाई देता है। सही वक्त आने पर बाहर जाइए, पश्चिम में क्षितिज के ऊपर आसमान को ध्यान से देखिए। आपको स्टेशन तकरीबन 2 से 5 मिनट तक दिखाई देगा। आप चाहें तो एक तरीका और आजमा सकते हैं। आप ISS स्पॉटिंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। iOS डिवाइस के लिए ISS स्पॉटर या ISS डिटेक्टर चुन सकते हैं। आप दोनों ऐप पर रिमाइंडर लगा सकते हैं, इससे जब भी ISS दिखने वाला होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि कैसे ISS को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तो आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं किसी और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।